हेलो दोस्तों। तो चलिए इस लेक्चर में बात करते हैं हम लोग नेशनल मेडिकल कमीशन विधेयक 2019। संसद के दोनों सदनों से पारित हुआ है एनएमसी बिल 2019। यह बिल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बीते 22 जुलाई को लोकसभा में पेश किया था। ठीक है, याद रखिए यह विधेयक जो है इंडियन नेशनल मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 की जगह लेगा। मेडिकल एजुकेशन सिस्टम प्रदान करने का प्रावधान इसके तहत है। ठीक है, इसमें उच्च गुणवत्ता वाले चिकित्सीय पेशेवरों की पर्याप्त उपलब्धता होगी। चिकित्सीय पेशेवरों द्वारा नवीनतम चिकित्सीय शोध को अपनाना होगा, इसमें प्रावधान है। चिकित्सा संस्थानों का आवधिक मूल्यांकन, एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र बनाने का प्रावधान है इसमें। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का गठन किया जाएगा, इसमें 25 सदस्य होंगे जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार करेगा। राज्य सरकार राज्य चिकित्सा परिषदें गठित करेंगी विधेयक के पारित होने के 3 साल के भीतर ही। एक सर्च कमेटी केंद्र सरकार को करेगी अध्यक्ष और अंशकालिक सदस्यों के नामों की सिफारिश। इसमें कमेटी में एक सर्च कमेटी में कैबिनेट सचिव समेत 7 सदस्य होंगे। ठीक, मेडिकल सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा केंद्र सरकार द्वारा। एनएमसी की देखरेख में एक स्वायत्त बोर्ड स्थापित किया जाएगा। अंग्रेज में मेडिकल प्रैक्टिस के लिए आधुनिक चिकित्सीय पेशेवरों से पैसे से जुड़े कुछ मध्यम स्तर के चिकित्सकों को सीमित लाइसेंस दे सकता है एनएमसी, नेशनल मेडिकल बिल। ठीक है, उसमें सभी चिकित्सा संस्थानों में अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, सुपर स्पेशलिटी मेडिकल एजुकेशन में प्रवेश के लिए एक समान राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा होगी इसके। आगे देखते हैं, मेडिकल संस्थानों से स्नातक करने वाले छात्रों के लिए चिकित्सीय प्रैक्टिस का लाइसेंस प्राप्त करने के हेतु विधेयक में है नेशनल एग्जिट टेस्ट नामक एक कॉमन फाइनल अंडर ग्रेजुएट एग्जामिनेशन का प्रस्ताव है इसमें। नेशनल मेडिकल कमीशन के कार्यों की बात करें तो इसमें कार्यों में दिया गया चिकित्सीय चिकित्सीय संस्थानों और पेशेवरों को विनियमित करने के लिए नीतियों का निर्माण करना। इसके कार्यों में शामिल है स्वास्थ्य संबंधी मानव संसाधन और बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं का आकलन करना, राज्य चिकित्सा परिषदों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करना, निजी चिकित्सीय संस्थानों और डीम्ड विश्वविद्यालयों के लिए फीस के निर्धारण के लिए दिशा निर्देश करना। तो यह है नेशनल मेडिकल कमीशन विधेयक। आपको बता दें कि यहाँ की अब विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद ये अधिनियम में कानून में बदल जाएगा। ठीक है, जब तक राष्ट्रपति की अनुमति नहीं मिलेगी ये विधेयक कहलाएगा।